ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में कार्यरत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से किए जाने से श्रमिकों में रोष फूट पड़ा। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम MMS के माध्यम से लेने तथा नरेगा में श्रमिक का भुगतान समय पर नहीं होने से अब ग्राम पंचायतों में कार्यरत श्रमिकों का रोष फूट पड़ा। प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले में श्रमिकों ने जिला सरपंच संघ के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रातः काल से ही चित्तौड़गढ़ के सभी ग्राम पंचायतों के श्रमिक जिला स्तर पर एकत्रित हुए तथा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष गणेश साहू ने बताया कि नरेगा में श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु मेटों को एंड्रॉयड फोन तथा रिचार्ज उपलब्ध करवाया जाए। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल को पुनः शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाए तथा राज्य वित्त आयोग की बकाया किस्त का भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिला सरपंच संघ अध्यक्ष गणेश साहू ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश स्तर पर राजस्थान सरपंच संघ की बैठक आहूत हुई, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई थी। सरपंच संघ राजस्थान की मीटिंग आज मानसरोवर में सभी जिला अध्यक्षों कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ हुई। इसके अंदर हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार से सम्मिलित मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। केंद्र सरकार से संबंधित नरेगा को लेकर ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो उसको लेकर हमने निर्णय लिया है कि 3-4 दिन के अंदर हम ज्ञापन तैयार करेंगे और फिर सांसद महोदय को हमारा ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम केंद्र में जाकर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो फिर सरपंच संघ आंदोलन करेगा। इसी तरह राज्य सरकार का भी हमारा जो भी कार्य हैं और जो काम नहीं हुए हैं, हम काफ़ी समय से हमारी एफ एफ सी का पैसा नहीं आ रहा है। 3 किस्तें SFC की बाकी पड़ी है और 1 किस्त इन 15वें वित्त आयोग FFC की बाकी है और नरेगा का पैसा बाकी पड़ा हुआ है। 9 जिलों का पैसा रोका हुआ है। इन सब को लेकर मंथन हुआ है, तो इसको लेकर भी हम ज्ञापन तैयार करेंगे और अभी विधानसभा चलेगी, उससे पहले हम राज्य सरकार को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे।